हाय एवरीवन, तो क्या आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस कंटिन्यूसली ग्रो करे, बट आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है फिर भी आपके पास कस्टमर नहीं आते? तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो हेल्प करेगी आपके बिजनेस को ग्रो करने में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ऑफेंसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अगर आपका बिजनेस मार्केट में न्यू है बट आप मार्केट में एंटर करने से पहले ही अपने कॉम्पिटिटर की वीकनेसेस पता कर चुके हैं और मार्केट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो आप ये ऑफेंसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं जो हेल्प करती है आपके कॉम्पिटिटर्स के मेजोरिटी ऑफ कस्टमर्स को एक्वायर करने में। फॉर एग्जाम्पल जियो, इनको मार्केट में एंटर करने से पहले ही पता चल गया था कि टेलीकॉम कंपनीज अपने कस्टमर से हाई अमाउंट ऑफ मनी चार्ज कर रही है डेटा और कॉलिंग सर्विसेज के लिए, तो उन्हीं सब कंपनीज की वीकनेसेस को अपनी मेजर स्ट्रेंथ बनाते हुए जियो ने अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए टेलीकॉम इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर दिया था। तो एक बार सारे कंज्यूमर को एक्वायर करने के बाद अब जियो प्रॉफिटेबल कंडीशन में है और दूसरी टेलीकॉम कंपनीज बैंकरप्ट होने की कंडीशन में। बट इसी स्ट्रेटजी को बहुत सी कंपनीज अनएथिकल वे में भी यूज करती है, उनके कॉम्पिटिटर्स के नेगेटिव रिव्यूज देते हुए एडवर्टाइज करते हैं। तो हमको इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को एथिकली यूज करनी चाहिए एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अचीव करने के लिए। नेक्स्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ऑफलाइन मार्केटिंग। इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी का रिलेशन इंटरनेट से दूर दूर तक नहीं होता है। अब इसको आप अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई करते हैं? टीवी कॉमर्शियल्स, बिलबोर्ड्स, रेडियो एड्स, फ्लायर्स या न्यूज़पेपर्स में एड्स देकर आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत से बिजनेसेस यूज करना कम प्रेफर करते हैं। तो कब हमको ये स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए? वे सारी प्लेसेस जहां पर इंटरनेट अभी तक प्रॉपरली पहुंचा नहीं है, वहां पर हम ये स्ट्रेटजी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रूरल या फिर विलेज एरियाज। अगर आप मास ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं बिलबोर्ड्स, न्यूज़पेपर एड्स लगाते हुए। और अगर अर्बन साइड में आपको ये स्ट्रेटजी यूज करनी है तो आप पर्टिकुलर रीजन के अकॉर्डिंग ऑफलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं जिससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट है वन टू वन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देने पर फोकस करती है, जहां बिजनेसेस डायरेक्टली और इंडिपेंडेंटली इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर्स के साथ, जिसमें कंज्यूमर्स को पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग मैसेजेस मिलते हैं और इसी से कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल सुपरमार्केट्स। अगर आपके पास कोई सुपरमार्केट का लॉयल्टी कार्ड है तो आपको ऑफर्स और वाउचर्स मिलते रहते हैं पोस्ट या टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू। अब ये ऑफर्स किसी भी रैंडम तरीके से आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि सुपरमार्केट्स के पास आपके प्रीवियस शॉपिंग डेटा अवेलेबल होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड ऑफर्स या वाउचर्स प्रोवाइड करते हैं जिनको रिडीम करने के लिए आपको सुपरमार्केट जाना ही पड़ता है। ऐसे ही आप भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के परचेज डेटा को यूज करके वन टू वन ऑफर्स या वाउचर्स सेंड कर सकते हैं जिससे कस्टमर्स आपके रेगुलर कस्टमर्स बन सके। नेक्स्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ऑनलाइन मार्केटिंग। कोई भी प्रोडक्ट प्रमोशन जो ऑनलाइन किया जाता है वही इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर आता है। अगर हम बात करें ईमेल्स से लेकर वेबसाइट तक या फिर सोशल मीडिया से लेकर प्रेस रिलीजेस तक, ये सारे टैक्टिक्स ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर आते हैं। अब जैसा कि हमको पता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग ने बहुत तेजी से मार्केट कैप्चर किया है, तो एज अ बिजनेस ओनर आपको भी ऑनलाइन मार्केटिंग जरूर यूज करनी चाहिए अपने बिजनेस में, क्योंकि आज 96% से भी ज्यादा सर्चेस गूगल पर होते हैं। तो अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन प्रेजेंट रहेगा तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे नए कस्टमर्स मिलने के।
अगर आप अपने बिजनेस में ऑनलाइन मार्केटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डिजिलाइज पर। ये एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो हेल्प करती है आपके बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिलाने में। नेक्स्ट आती है ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी के लिए उनके पब्लिक ओपिनियन को बनाने या फिर ओपिनियन चेंज करने के काम आती है, क्योंकि कई बार किसी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन पब्लिक में ऐसी बन जाती है जिसको चेंज करने की जरूरत होती है, और तभी यह मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काम आती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, साउथ अफ्रीका में सेल्वेशन आर्मी ने यह स्ट्रेटेजी इंटेलिजेंटली यूज की थी। जो पिक्चर आप देख रहे हैं यह इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। इसमें एक ऑप्टिकल इल्यूजन का सपोर्ट लिया गया है जहां पर कोई भी पर्सन इस लेडी को दो तरीकों से देख सकता है। मेजोरिटी ऑफ पीपल फोकस करते हैं इस लेडी के गोल्ड और व्हाइट कलर की ड्रेस को, बट वे उसकी बॉडी पर लगे ब्लैक और ब्लू कलर की इंजरीज को इग्नोर कर देते हैं। तो ये सेल्वेशन आर्मी की तरफ से एक इनिशिएटिव था वुमेन के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने और पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने के लिए। चलिए, तो नेक्स्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है आउटबाउंड मार्केटिंग। जब भी कोई पर्सन किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने का नहीं सोच रहा होता है, फिर भी अगर हम हमारे प्रोडक्ट को उन पर्सन तक प्रमोट करते हैं, इसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बोलते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग। ये स्ट्रेटेजी ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पार्ट है जो वेरियस बिजनेसेस यूज करते हैं। अब कोई भी पर्सन जिसको हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट तो है बट वो अभी परचेस करने का नहीं सोच रहा है, तो उसको हम हमारी सर्विसेज कैसे प्रमोट करेंगे? अगर हम कोर मार्केटिंग फनल की बात करें तो एक पोटेंशियल कस्टमर 7 से 8 टच पॉइंट्स को कैप्चर करने के बाद ही हमारा रेगुलर कस्टमर बनता है। अब अगर हम आउटबाउंड मार्केटिंग यूज करते हुए पोटेंशियल कस्टमर को कोई भी एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं तो अल्टीमेटली हमारे ब्रांड की अवेयरनेस इंक्रीज होती है और चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि वो फ्यूचर में हमारा प्रोडक्ट जरूर परचेज करेगा और हमारा कस्टमर भी बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, बिलबोर्ड्स, होर्डिंग बोर्ड्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। नेक्स्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है आउटडोर मार्केटिंग। कोई भी टाइप ऑफ मार्केटिंग जो आउटसाइड की जाती हो उसको कहते हैं आउटडोर मार्केटिंग। अब इसको अप्लाई कहां करते हैं? बिलबोर्ड्स, बस स्टॉप पोस्टर्स, स्टिकर्स, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, शॉप सिग्नल्स एक्सेट्रा, इन सब में यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ टिप्स डिस्कस करते हैं जिससे हम आउटडोर मार्केटिंग को इफेक्टिवली अप्लाई कर सकते। पहला है कीप इट सिंपल। इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में हम जो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो मास ऑडियंस को टारगेट करेगा, तो जितना हो सके मार्केटिंग कैंपेन सिंपल होना चाहिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ बेस्ट कलर्स विद कंसिस्टेंसी। हमको एक बोल्ड और बाकी म्यूटेड कलर्स यूज करने चाहिए जिससे एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्टिव दिखे। और लास्ट आता है प्लेसमेंट इन अप्रोप्रिएट लोकेशन। इसका मतलब है जो भी हमारा एड है उसके लोकेशन भी सही होनी चाहिए जो हेल्प करेगी कन्वर्जन इंक्रीज करने में। तो इस वीडियो की लास्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है आउट ऑफ होम मार्केटिंग। ये स्ट्रेटेजी ऐसे कंज्यूमर्स को रीच करने के लिए डिजाइन की गई है जो अभी अपने घर पर नहीं है। ये स्ट्रेटेजी आउटडोर मार्केटिंग के सिमिलर है। अब इसको कौन सी कंपनीज यूज कर सकती है? कोई भी कंपनी जो मास ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहती है यूज कर सकती है ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपने बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल, किटकैट, इन्होंने आउट ऑफ होम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हुए बैंच बनाई है जिससे किटकैट की ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज हो सके। चलिए, तो इसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ ये अल्फाबेट ओ से स्टार्ट होने वाली सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स और बिजनेस कलीग्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई हम वीडियो डालें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। दिस इज साइनिंग ऑफ फ्रॉम डिजिलाइज। Keep learning.